सीएम हेमंत सोरेन कल 22 सितंबर को दुमका के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। पुलिस लाइन मैदान में सीएम सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सोना सुबरन धोती साड़ी योजना के साथ कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी हो गई है। पुलिस लाइन मैदान में भव्य पंडाल बनाया गया है, जहां कोविड-19 के गाइडलाइंस के अनुरूप 4000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। मौसम को देखते हुए पंडाल वाटरप्रूफ बनाया गया है। मंगलवार को डीसी रविशंकर शुक्ला ने पुलिस लाइन मैदान पहुंचकर तैयारी का जायजा लिया, जहां उन्होंने तैयारी को पूर्ण करार दिया। दुमका उपायुक्त ने कहा कि 1 बजे दिन में सीएम दुमका पहुंचेंगे, सोना सुबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत करेंगे, साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। कार्यक्रम में सीएम के साथ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी रहेंगे। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऊपर की जगह आईडी कल 1 बजे से सोना सुबरन धोती साड़ी वितरण कार्यक्रम, जो कि खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसका शुभारंभ दुमका जिले से होने वाला है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय विभागीय मंत्री महोदय का आगमन निर्धारित हुआ है और उसको लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। आशा तो कोविड समुचित व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, ताकि योजना का समुचित प्रचार प्रसार भी हो सके और साथ ही साथ इसका लाभ जो लक्षित वर्ग है उस तक बिना किसी कठिनाई के पहुँच सके। सर, शिलान्यास पर योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी जो कि जिला स्तर की है वो भी प्रस्तावित है और उसके संबंध में भी